वो सीट जिस पर नहीं रहा किसी का एक छत्र राज। यहां की जनता ने हर बार बदल दिया प्रतिनिधि। क्या है इस बार यहां की जनता का मूड? क्या फिर से सियासी इतिहास दोहराएगी जनता? पूर्वी उत्तर प्रदेश का गाजीपुर सदर विधानसभा सीट, जो कई मायनों में बेहद अहम है, इसकी अहमियत इस बात से समझ सकते हैं कि बीजेपी ने इस सीट पर जीत दर्ज करने के लिए कुछ महीने पहले हुए मंत्रिमंडल विस्तार में इस सीट से विधायक संगीता बलवंत बिंद को राज्य मंत्री बना दिया, ताकि जनता के बीच ये संदेश जाए कि बीजेपी की नज़र में इस सीट की खास अहमियत है। खैर, बीजेपी इसे जो भी कहे, लेकिन जनता बखूबी जानती है और समझती भी है कि ये चुनाव से पहले जनता को बरगलाने के लिए सियासी हथकंडा है जो कि बीजेपी अपना रही है। लेकिन अगर इस सीट के राजनीतिक परिदृश्य को समझें तो पाएंगे कि यहाँ की जनता कितनी जागरूक है। यही वजह है कि यहाँ की जनता ने हमेशा नए नए प्रयोग किए हैं। साल 1991 में मुख्तार अंसारी निर्दलीय विधायक चुने गए। वहीं साल 1996 में बसपा के उमा शंकर कुशवाहा की जीत हुई। साल 2002 में सपा के शादा फातिमा विधायक बने। साल 2007 में एक बार फिर बसपा के डॉक्टर राजकुमार गौतम ने जीत दर्ज की। वहीं साल 2012 में सपा के विजय मिश्रा को जीत मिली, जबकि 2017 में बीजेपी की संगीता बलवंत बिंद जीतने में सफल रहीं। इन आंकड़ों के लिहाज से अगर देखें तो एक बात तो सामान्य लगती है, वो ये है कि हर दूसरी बार यहां की जनता ने सपा को मौका दिया है। इसीलिए इस बार भी इसकी उम्मीद की जा रही है कि इस क्षेत्र की जनता समाजवादी पार्टी पर विश्वास जताएगी। वैसे भी बदलाव ही विकास की गाड़ी को आगे बढ़ा सकती है। अगर पिछले 3 दशक के इतिहास को देखें तो पहली बार साल 2017 में यहाँ की जनता ने बीजेपी को मौका दिया था, लेकिन जिस तरह बीजेपी नेता यहाँ की जनता को छलने का काम किया है, उससे यहाँ की जनता में बीजेपी के खिलाफ गुस्सा साफ तौर पर देखा जा रहा है। यही वजह है कि यहाँ की जनता अब दोबारा बीजेपी को मौका नहीं देना चाहती है। वैसे भी प्रदेश में जिस तरह से अखिलेश के पक्ष में माहौल बन रहा है, उससे निश्चित तौर पर बीजेपी को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है, क्योंकि जनता भी आज सवाल पूछ रही है कि पहले तो पिछले 5 सालों में बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, और जब चुनाव सिर पर आया तो यहाँ की विधायिका को मंत्री बनाकर जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। लेकिन इस बार यहाँ की जनता ने ठान लिया है कि अब की बार बदलाव होगा।